हेलो गाइस, दिस कार्तिकेय पांडे फ्रॉम आईडी बीएचयू एंड यू आर वाचिंग योर ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि अपन लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं जेई के लिए, ठीक है ना। उनमें सबसे बड़ा वेरिएशन है एनटीए नाम से, ठीक है ना, जिसकी वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करा रही है एग्जाम जनवरी में भी, ठीक है, और उसके बाद अप्रैल में भी कंडक्ट करा रही है। सो जनवरी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, या बहुत सारे बच्चों के अंदर ये आता है कि हम किन मेनली टॉपिक से फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चंस अपन कर सके, या ज़्यादा नंबर स्कोर कर सके, और बहुत ज़्यादा टाइम भी हमें ना देना पड़े। मतलब ऐसा ना हो कि एकदम बैल की तरह 24 घंटे मेहनत करें तब जा करके हमारे 4 या 5 क्वेश्चन बने। उन्हें ऐसा चाहिए कि भी हम एक नॉर्मल मेहनत कर रहे हैं एज अ सिंपल स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट, और फिर भी हम 15 क्वेश्चन कर सकें। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे बस ये चाह रहे हैं कि फिजिक्स में यदि 120 का पेपर आ रहा है तो मैं 60 मार्क्स तक पहुँच जाऊँ, जिससे कि मेरा बहुत अच्छा रैंक आ जाए। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 60 मार्क्स पे आ रहा है ऑलरेडी, और उसे लगता है कि मेरे मार्क्स 90 हो जाए, तो वो उन बच्चों के लिए होगा। और यदि कोई बच्चा यदि सोच रहा है कि मेरे को 120 आना है, तो उसके लिए तो यार वो वाला ही वर्क होगा। मतलब जिसे कहते हैं एकदम बैल की तरह, और एकदम थोड़ा सा स्मार्ट सोच रखते हुए, बैल की तरह कहने मतलब कि बहुत ही मेहनत करना, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट चलना पड़ेगा। बट उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड वीक है इन द सेंस ऑफ फिजिक्स, उन बच्चों के लिए किन टॉपिक फोकस करना चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बन सके इजीली। क्लियर है गाइस? तो देखिए, मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स पिक करूंगा जिन पे आपको फोकस करना, और आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आई एम एश्योर्ड। विद इन, जैसे कहते हैं ना, यदि आप 3 आवर्स भी यदि उसमें मेहनत कर देंगे, तो आई एम एश्योर्ड कि आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो एक एक करके सारे टॉपिक्स उठा रहा हूं मैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं प्रियोरिटी देता हूँ अपने, ये किसके लिए है? फॉर ये 60+ मार्क्स के लिए है। ये याद रखिएगा, 60+ मार्क्स आपको ये देंगे विद इन 2 मंथ। यदि आपके 2 मंथ की प्रिपरेशन में आप 60+ मार्क्स उठा सकते हैं इजीली, इजीली आई एम सेइंग, आपने यदि पूरे साल मेहनत नहीं करी, आपने 2 साल पढ़ाई नहीं करी, बट इफ यू विल फोकस फॉर 2 मंथ ओनली एंड दीज टॉपिक्स, श्योरली यू गोना स्कोर मोर देन 60 मार्क्स। एंड इफ इन केस यदि आप 3 मंथ्स और 4 मंथ्स मेहनत कर लेते हैं, तो आई एम एश्योर्ड कि आप 80+ मार्क्स भी पा सकते हैं आउट ऑफ 120 इन केस ऑफ फिजिक्स। क्लियर गाइस? सो जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन ट्रीट करेंगे, जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एरर एनालिसिस। क्लियर है गाइस? एरर एनालिसिस। नाउ होल्ड ऑन, क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाई एरर एनालिसिस? तो गाइस, आपको एक बार जाके प्रीवियस ईयर चेक करना चाहिए। लगभग हर साल एरर टाइम में, एरर ऑपरेशन पे एक क्वेश्चन आता है कि यदि ए और बी है तो ए प्लस बी में कितनी एरर होगी, है ए इंटू बी है तो ए सॉरी ए है और बी है तो ए इंटू बी में कितनी एरर होगी। और जैसे कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पूछ लिया, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में एरर पूछ लिया, बहुत सारे केसेस में एरर का वेरिएशन कराता है। क्लियर गाइस? और यू नो वॉट, तुम एरर पूरा पढ़ने में ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी एक्स वाई जेड, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, समझ रहे, एब्सोल्यूट मीन एरर, फिर उसके बाद एरर इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या चाहे जो भी बोलिए, या एरर ऑपरेशन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सपोनेंट फॉर्म बाई टेकिंग लॉग, मैंने आप लोग को ट्रिक्स भी दे रखी है उसके लिए, ठीक है। 3 घंटे, नॉट मोर देन दैट, ओनली 3 आवर्स। इन 3 आवर्स ओनली यू कैन डू ऑल थिंग्स। मतलब 3 घंटे आप अच्छे से फोकस कर लीजिए, तो आपको एरर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि एग्जाम में मैं रॉक करने वाला हूँ। क्लियर गाइस? तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से एश्योर हो गया। ये मतलब मैं एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि इन पे आते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जब जज किया है, मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोला हूँ कि बस मेरा मन किया, मुझे सुंदर लगे टॉपिक तो मैंने बोल दिया, ऐसा भी नहीं है। अभी इन सब के पीछे रीजन होगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्लियर? नाउ फोकस ऑन सेकेंड टॉपिक। सो दैट इज डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर गाइस? नाउ होल्ड ऑन, डायमेंशन एनालिसिस में मैं क्यों बोल रहा हूँ, फॉर्मूले में एरर है या नहीं है चेक करना, नया फॉर्मूला डेराइव करना, बोल दिया कि ए के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, बी के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, सी के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो सकता है। क्लियर है? या किसी अननोन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाना, सबसे मेन चीज। इट माइट बी पॉसिबल कि मैचिंग टाइप दे दे और मैच करा दे, फिर 4 ऑप्शन पूछ ले कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। भाई करने को क्या नहीं करा सकता, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, स्टीफन कॉन्स्टेंट, ढेर सारे तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं, वाइन्स कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स कॉन्स्टेंट के। क्लियर गाइस? बहुत सारे तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों के डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। और भाड़ में जाए क्वेश्चन, नहीं पूछा
तब भी डायमेंशनल एनालिसिस मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? वो ऐसे मदद करेगा कि रोटेशन के क्वेश्चन कई बार नहीं बनते ना, तो चुपचाप धीरे से डायमेंशनल एनालिसिस लगाओ, चार ऑप्शन में हो सकता है, तीन में डायमेंशनल एनालिसिस मैच ही ना कर रहा हो, एक में मैच कर रहा हो वही आंसर होगा। क्योंकि भैया एक नियम होता है कि कोई फॉर्मूला यदि यूनिवर्सली करेक्ट है तो उसे डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, यदि मान लो तीन में मैच नहीं कर रहा, दो में मैच कर रहा, मतलब दो में मैच कर गया, दो में डायमेंशन फॉर्मूला मैच कर गया, तो मम्मी का नाम लेकर के एक में मार देना तुक्का यार, कम से कम 50% है सक्सेस होने रेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन अपन को बढ़ना है। तो डायमेंशन एनालिसिस का अपना एक दबदबा है, क्लियर है, IIT JEE या JEE मेंस की प्रिपरेशन में। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक इज सेमी कंडक्टर ऑब्लिक गेट ऑब्लिक मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी 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 रियली सॉरी, ऑब्लिक में आपका सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा हो गया? कम्युनिकेशन। क्लियर गाइस, ये तीन टॉपिक देखने में तो बहुत जिसे कहते हैं चुल्लड़ से टॉपिक लगते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, ये आपको एक क्वेश्चन देगा और ये आपको अकेले एक क्वेश्चन देगा, हर साल देता है। लेकिन कोचिंग वाले अपने आप को ये दिखाने में कि मैं तो इतने छोटे टॉपिक्स पढ़ाता ही नहीं हूँ, मेरा जो लेवल है ना वो रोटेशनल के ऊपर जाता है, मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ाऊँ। और जानते हो जो बच्चा बोर्ड का होता है वो बोर्ड की पढ़ाई कर करके आता है मात्र, सेमी कंडक्टर कम्युनिकेशन ये सब बोर्ड में अच्छे से पढ़ता है, आराम से दो क्वेश्चन चिपका देता है। इसीलिए देखते हो गए कि JEE मेंस में बोर्ड वाले कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं और कोचिंग वाले धड़ जाते हैं 70 नंबर में। सब में अंतर है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स भी बहुत मैटर करते हैं। तुम्हें एडवांस JEE मेंस ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम्हें रोटेशन वाले क्वेश्चन में नंबर लाना है, उसने ये बोला कि नंबर लाना है, अब वो नंबर किस क्वेश्चन में आ रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ये 3 आवर्स, ये 1 आवर, 3 घंटे, 1 घंटे, नो मोर देन 1 आवर, ये आपका मान लीजिए 5 आवर, 5 to 6 आवर्स, ठीक है ना, 5 to 6 आवर्स में आपका अच्छे से हो जाएगा, ये 1 आवर और ये 3 आवर। क्लियर गाइस, तो ये देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिस पे अपन को फोकस करना है, भयावह टॉपिक, बहुत प्यारा है, मतलब इससे प्यारा चीज इस दुनिया में बना ही नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स। अकेले ये आपको देगा 2 से 3 क्वेश्चंस, अकेले देगा 2 से 3 क्वेश्चन, बस आपको 3 टॉपिक्स अलग अलग से पढ़ने हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग से पढ़ लेना है, वेरिएशन पढ़ लेना है कि भैया जो कंडक्शन जो करंट होता है, फोटो करंट होता है, उसका वेरिएबिलिटी कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या अंतर आता है। क्लियर है, इंटेंसिटी फोटोन के चलते फोर्स, ये सब। अब फिर वही बात आ गई, फोटोन के चलते किसी एंगल पे फोटोन फॉल कर रहा है, कितना फोर्स लगाएगा, ये सब JEE एडवांस का है। एटॉमिक कोलिजन हुआ, एटॉमिक कोलिजन की वजह से कहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाएगा, JEE एडवांस का है, JEE एडवांस में भी रैंकर्स बच्चों के लिए है। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, रिड्यूस मास सिस्टम, मतलब एटम के साथ साथ न्यूक्लियस भी भाग रहा है, JEE एडवांस टॉपिक हो गया। मतलब ये सब टॉपिक्स हैं, JEE मेंस में ही पॉसिबिलिटीज हैं, बट यदि आप JEE मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत हासिल नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हो फोटो सेल्स पे आते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस से रिलेटेड या स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और रेडियो एक्टिविटी में आपका हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता, तो हाफ लाइफ को एकदम एकदम चूज जगह से इंजेक्शन लगा के एकदम चूज लीजिए हाफ लाइफ को, समझ ना, हाफ लाइफ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको जितना अच्छे से आएगा उतना अच्छा आप वहां पे कर पाएंगे, लॉग वाला फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, उनके कर्व्स, ये सारी चीजें। फिर एक भयावह टॉपिक उनके साथ रहता है एक्सरे, एक्सरे कुछ बेसिक चीजें, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कैसे आती है या कंटिन्यूअस वेवलेंथ कैसे आती है, उनके प्रोडक्शन क्या फॉर्मूले, मतलब क्यों प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी चीजें डीपली एक बार यदि पढ़ लेंगे तो यार इजीली क्वेश्चन 3 बनेंगे। और यू नो व्हाट, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम बता रहा हूँ, जितने अच्छे लेवल का आप कंटेंट ढूंढेंगे, जितने अच्छे का कंटेंट आप ढूंढना चाहते हैं, चैनल में जाइए, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडर्न फिजिक्स में जो वेरिएशन आपको चाहिए उठाइए पढ़िए और उसको किनारे करिए, चाहे रिड्यूस मास सिस्टम हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे वो एटॉमिक कोलिजन हो, चाहे वो नॉर्मल कोई भी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हो, या चाहे वो हाइपोथेटिकल केसेस हो, कोई भी केस नहीं छूटा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स का, सारी चीजें हमारे चैनल में है, जाइए चेक करिए पढ़िए। और मुश्किल से आप यदि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, यदि इसमें आप 12 to 15 आवर्स दे दे रहे हैं, 12 to 15 आवर्स, तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, और साथ में एडिशनल यदि आप इसमें 10 आवर्स दे दे रहे हैं लगभग, तो आपका मॉडर्न फिजिक्स JEE एडवांस लेवल हो जाएगा। मेंस तो छोड़ो यार, मेंस तो छोटी चीज हो गई,
एडवांस लेवल का हो जाएगा यदि ये चीजें करने के बाद। क्लियर गाइस? तो यहां से आपको तीन क्वेश्चन मिल गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 5 जिस पे अपन को फोकस करना है, एंड दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, देखो यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत छोटा है, ये सब हम पढ़ाते हैं, हम बहुत हाई लेवल के टीचर हैं, बच्चे के लग गए पेपर में। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप से ही क्वेश्चन आया था और टेलीस्कोप में ये पूछा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस किस लिए लगाया जाता है बड़ा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों होता है टेलीस्कोप में। तो बच्चे ने तो पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ रेज ज्यादा आएंगे, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और वहां पे बच्चे का क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सोचा ही नहीं कि भाई बड़ा यदि डायमीटर रखेंगे तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, और दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस होंगी वो अलग अलग जगह पे फॉर्म होंगी, सो हमें दो डिस्टिंक्ट स्टार्स के बीच में एक गैप दिखेगा और हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो दोनों अलग अलग स्टार है। सोचा ही नहीं, क्यों? क्योंकि टीचर ने पढ़ाई नहीं, और हमने भी सोच लिया अरे छोटा मोटा टॉपिक है, हमारे टीचर ने बोल दिया से। नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप, फिर इसके बाद भयावह चीजें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ठीक है, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड इन केस ऑफ वॉच, इन केस ऑफ ऑप्टिक्स टू फाइंड आउट फोकल लेंथ, क्लियर गाइज, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉन्केव लेंस, नाउ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी नॉट कॉन्केव, बिकॉज इन केस ऑफ कॉन्केव देर विल बी अ काइंड ऑफ वर्चुअल इमेज, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मुला। नाउ कम टू पॉइंट वन मोर, मीटर ब्रेस, पोटेंशियोमीटर, ग्लवानोमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है ना, एमीटर। नाउ होल्ड ऑन, नाउ क्वेश्चन अराइजेस वंस मोर, सर ये कहां से करे? कहीं मत जा रहे, चैनल में जाके चेक कर, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सारा चीज पढ़ा, जाके आराम से खोल, पढ़ाई कर, पूरा आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कराया हुआ है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां धड़ाधड़ होगा, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन आने के चांस हरदम होते हैं। एक क्वेश्चन और हो गया अपना, क्लियर है? फिर अब आगे बढ़ते हैं, नाउ सिक्स टॉपिक जिसपे अपन को फोकस करना है, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट एज वेल एज साउंड। नाउ होल्ड ऑन, क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, सर आपने इस पे क्यों फोकस कराया, डॉपलर इफेक्ट पे आपने क्यों फोकस कराया। सर गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर डॉपलर इफेक्ट आपने क्यों ऐसा बोला, तो उसके पीछे रीजन है व्हाई मैंने डॉपलर इफेक्ट क्यों कंसीडर किया, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, और यू नो व्हाट, यदि आपको उसका एक बार की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं मतलब छूटने वाली है। नाउ कौन कौन से तरह की प्रॉब्लम, नॉर्मल तरीके से सोर्स मूव कर रहा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा, दोनों मूव कर रहे हैं, एंगल पे मूव कर रहे हैं, दीवार आ गई, मूविंग प्लेटफॉर्म से, एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म से, सारा चीज बनने लगा यार, और इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाने का, वीडियो में जाने का, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर वीडियो पड़ी है करने का, अच्छे से एक घंटे का वीडियो है, एक घंटे की वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे टेल मी, क्लियर गाइस? सो डॉपलर इफेक्ट हो गया, ये भी आपको यदि आप इसमें 3 to 4 hours दे देते हैं तो वन क्वेश्चन इज एश्योर्ड, क्लियर है? हर साल नहीं आता, ऐसा भी नहीं बोलो कि हर साल आता है, बट ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मेरे से एक अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक बन रहा है, क्लियर है? सो एक क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं। फिर यार सॉरी, जो मेरे को सबसे पहले बोलना चाहिए तू तो हम अब बोल रहे हैं आप लोगों को, एकदम खतरनाक चीज, खतरनाक चीज, देख रहे हो कौन सी है वो, देखो लिखने वाले हैं, बहुत भयावह और प्यारी चीज है ये, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स गाइज, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो वन कैन स्टॉप, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड चाहे आए, चाहे मैक्सिमम मिनिमम की पोजिशन से रिलेटेड आए, चाहे इंटेंसिटी से रिलेटेड आए, चाहे सोर्स की किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आए, चाहे हाइजेंस प्रिंसिपल से आए, लेकिन एक वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन एश्योर रहता है, और उसमें 99% चांस रहता है किसके ऊपर, YDSE के ऊपर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे कि JEE मेन 2018 में क्या किया, डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कराया, YDSE में चिपवाया और YDSE का आंसर निकलवाया, सो बच्चे को यदि थोड़ा सा भी आइडिया था डिफ्रैक्शन का, तो वहां से उसने लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा को उठा के यहां चिपकाया, और यहां से उसने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स निकाल लिया, और आंसर आ गया, इजिली 4 marks मिल गए। सो गाइज, इसको आप वो करने के लिए अच्छे से JEE मेंस लेवल का, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ कि 3 घंटे में हो जाएगा, एटलीस्ट चाहिए 10 to 12 hours, क्लियर है? 10 to 12 hours में कर लेंगे तो ये आपको एश्योर्ड एक क्वेश्चन देगा, मतलब जैसे कहते हैं ना प्राइम,
मतलब ये एसओटी है इनमें कि मतलब इन्हें मिलेगा, मतलब एसओटी वाई कार्तिक सर, इसे समझ लीजिए, समझ लीजिए फ्लिपकार्ट है, एसओटी दे रहा है कि ये सही है इसमें आएगा। तो ये हो गया आपको वाईडीएससी, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन 101%। सो गाइस अपन को पता चल गया कि नेक्स्ट टॉपिक हो गया वाईडीएससी, जिसको कि अपन लोगों को करना है बहुत अच्छे से, दिल से करना है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और आ गया ना। अब अपन आगे थे, आगे आते हैं जो सबसे मेन चीज है, जो अगला टॉपिक अपन को करना है, मतलब बोले तो 8th टॉपिक, दैट विल बी आइदर इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन। वाई इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन? बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव बस का डिफरेंस है, क्लियर है। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब लगभग 90% चीजें मैच करती हैं। तो यदि आप एक टॉपिक करेंगे तो इनडायरेक्टली आपका दूसरा टॉपिक कवर होगा। सो एक से दो क्वेश्चन आपकी यहाँ से भी अश्योर हो गए कि आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर गाइस। और इसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, लेट अस सपोज यदि आप दे रहे हैं 30 आवर्स, क्लियर है। तो 30 आवर्स में तो यार जेईई मेन का इलेक्ट्रो हो जाएगा, जेईई मेन का तो छोड़ो यार, जेईई मेन का हो जाएगा इलेक्ट्रो 30 आवर्स में, कहीं नहीं जाना है। कहाँ जाएंगे इसको पढ़ने, चैनल में जाएंगे यार, इलेक्ट्रो का भी पूरा सीरीज पड़ा हुआ है, 15 लेक्चर पड़े हुए हैं, और मैं भी तो बहुत सारे लेक्चर्स अपडेट करने वाला हूँ, मतलब बहुत सब भयावह चीजें हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। तो ये आपको दो क्वेश्चन और, रुक जाओ मेरे को पाप लगेगा यार, मैं मेन टॉपिक्स को ना किनारे कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, जो मेन चीज थी वो तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, वो ये है। मूवमेंट ऑफ इनर्सिया वन ऑफ द कंप्लीट टॉपिक, नॉन सेल्फ वो खुद में एक कंप्लीट टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। इसीलिए एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं या पेपर सेटर होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का टॉपिक होता है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। सोचो इस साल दो दो क्वेश्चन आए थे जेईई मेंस में मूवमेंट ऑफ इनर्सिया से, दो दो क्वेश्चन, हर साल लगभग मूवमेंट ऑफ इनर्सिया से एक क्वेश्चन, या मूवमेंट ऑफ इनर्सिया पे नहीं आया तो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया से रिलेटेड किसी और लिंक को कर दिया, मतलब ऐसा करके उसने मूवमेंट ऑफ इनर्सिया को इन्वॉल्व करा ही देता है। सो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लेकिन होल्ड ऑन होल्ड ऑन प्लीज, मतलब यहाँ लिखवा रहा हूँ, प्लीज डोंट स्टडी रोटेशनल मोशन फॉर जेई मेन पर्पज, बिकॉज यदि आपके पास टाइम नहीं है या आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये आपका ले लेगा पूरा 2 महीना पढ़ने में, 2 मंथ्स। क्वेश्चन आएगा भी तो कितना आएगा, एक आएगा, तो भैया ये पढ़ने की बजाय अच्छा है कि इसे दोबारा पढ़ लेना, 3 3 6 घंटे में क्वेश्चन तो बराबर है आना है, तो किससे नंबर आएगा, नंबर इससे आएगा ना। और यहाँ पे तो हो सकता है कि भैया इसका क्वेश्चन बन भी जाए, लेकिन इसके 90% चांस रहते हैं कि इसका क्वेश्चन नहीं बनता और जिंदगी के लग जाते हैं। इसीलिए थोड़ा स्ट्रेटजी सही रखनी है कि रोटेशनल मोशन को प्रेफरेंस नहीं देना है, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया को प्रेफरेंस देना है, क्लियर गाइस ना। अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 10th की बात करते हैं, क्लियर है। 10th टॉपिक एंड दैट इज वॉट, वर्क पावर एनर्जी, और यू कैन से दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्लियर गाइस। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको कैसे कब यहाँ पे अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये वर्क पावर एनर्जी वैसे क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करा के देगा, ये मैकेनिक्स के 70% क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दे सकता है, क्लियर गाइस। सो इसीलिए इस पर ही फोकस करिए ना। 11th नंबर टॉपिक, सो 11th विल बी ग्राफ्स, ग्राफ्स क्लियर है इन 1D मोशन, 1D मोशन, क्योंकि भैया हर साल क्वेश्चन आता है यार, चाहे वेलोसिटी से रिलेटेड आए, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन से रिलेटेड आए, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएशन से रिलेटेड आए, टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, दुनिया भर का। सो इसीलिए कौन सा टॉपिक फोकस करना है, मैंने पूरा मोशन इन 1D फोकस करने को नहीं बोला, मैंने रिलेटिव मोशन करने को अच्छे से नहीं बोला, मैंने प्रोजेक्टाइल नहीं करने को बोला बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल ये सारी चीजें अच्छे वेरिएशन जे एडवांस के लिए होते हैं, रिलेटिव मोशन अच्छा खासा और जे एडवांस के लिए होता है, मेंस के लिए क्या होता है रे, मेंस के लिए मोशन इन 1D का ग्राफ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये क्वेश्चन आपको और मिल गया यहाँ से जो कि आपको करना चाहिए ना। अगला टॉपिक कहाँ गए भाई, हाँ इधर है, 12वां टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट।
मतलब बताओ यार, ऐसे टॉपिक्स भगवान बना के और ऐसे दोबारा टॉपिक बनाना भूल जाता है। मतलब इतने प्यारे टॉपिक्स जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, आई आर एम एस या वी आर एम एस, या पावर निकालना, या पावर फैक्टर निकालना, समझ रहे हो, क्वालिटी फैक्टर निकालना, दुनिया भर का वेरिएशन यार सब। लेकिन ये कितने घंटे में हो जाएगा? मुश्किल से आप यदि से 6 से 7 घंटे देते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा यदि 6 से 7 घंटे देते हैं। ग्राफ्स के लिए भी बता दे रहा हूँ कि आप इसको भी 6 से 7 घंटे दीजिए तो ग्राफ भी आपका पूरा हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम को भी लगभग 6 से 7 घंटे दीजिए तो ये भी पूरा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया को तो आप 3 घंटे भी देंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूरा हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो अल्टरनेटिंग करंट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कब पावर जीरो होगा, कौन से सर्किट में पावर जीरो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ढेर सारी चीजें, ढेर सारे वेरिएशन अल्टरनेटिंग करंट के, ये भी आपको एक क्वेश्चन दे देगा। क्लियर है? सो गाइस, चलिए गिन लेते हैं कि अपन लोग कितने क्वेश्चंस हैं जो कि अपन कर सकते हैं इन टॉपिक पे फोकस करें। तो आओ, एरर एनालिसिस से एक क्वेश्चन 3 घंटे में, डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन, एक दो, दो दो चार, चार तीन सात, 7 1 8, 1 9, 9 वापिस 10, 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 12 12 12 फिर कहाँ गया? हाँ आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ। 13 14 15, एंड यू नो व्हाट, मैंने इसमें बहुत मजबूत मजबूत टॉपिक को भी एक एक क्वेश्चन माना है। मैंने माना है कि इनसे एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इनसे कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। क्योंकि इसलिए ऐसा माना, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट को भी हमने माना है कि चलो इससे यदि आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए इसको ही मैंने एक क्वेश्चन माना। सो इफ इनके डॉपलर इफेक्ट से नहीं आएगा तो फिर दूसरे टॉपिक से आएगा, लेकिन बड़ा आएगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे सेम टॉपिक से। तो देख रहे हो 15 क्वेश्चन, ये कितने घंटे में अपन लोग कर लेंगे 15 क्वेश्चन का लेवल का तैयारी? 3 4 4, 6 4 10, मतलब बड़ा बड़ा जोड़ूंगा, बड़ा वाला जोड़ूंगा, 6 4 10, 10 15, 25, 25, 25, 25, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपका हो जाएगा, मान लीजिए 3 आवर्स में, 3 to 4 आवर्स में हो जाएगा। तो 25, 3 28, 28 4 32, 32, 32 10 42, यहाँ 12 देने की जरूरत नहीं, 32 10 42, 42 30 72, 72, 72 3, याद रखिएगा। अब ये 72 मतलब आप ये जेई एडवांस लेवल देगा, ये जेई मेंस लेवल नहीं देगा। जेई मेंस के लिए तो आप 10 घंटे ही पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रो जेई मेंस लेवल का आपको दे देगा, ये बात याद रखिएगा। जेई एडवांस के पर्पज से बोल रहा हूँ, 30 तो मैंने जोड़ लिया फिर भी, 72, 72 3 75। क्लियर है? 75, 75, 75, और यहाँ पे 75 6 81, 81 6 87, 87 6 93, 93 घंटे को यदि आप पर डे के हिसाब से, मान लीजिए 5 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, 5 घंटे के हिसाब से 20 दिन में खटाक रिवीजन भी मार दोगे यार, 20 दुनी 40, 60 30 60, मतलब समझ रहे ना, फोड़ दिया तुमने। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुमको जेई मेंस में 100% मार्क्स दिलाएंगे, तुम्हारी इज्जत वापस लाएंगे, जो तुम्हारे चाचा शर्मा जी और बगल में वर्मा जी जो भी अंकल होते हैं, ठीक है ना, अब प्लीज जाते मत जाइएगा, वो तो मैंने बोल दिया, कहने का जो पड़ोसी होते हैं जो तंग करते हैं, अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे छोटू रिजल्ट कब आ रहा है, उनके मुंह में एक बहुत बड़ा सा चट दे तमाचा होगा। क्योंकि तुम्हारे 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल आएंगे यार, मात्र 2 महीने के प्रिपरेशन से, अच्छी प्रिपरेशन से, यदि 5 आवर्स पर डे भी करो तो, और एक स्ट्रेटजी वाइज चलो कि मुझे ऐसे चलना जैसे सर ने मैंने बताया। सो गाइस, यदि वीडियो का मैंने टाइटल डाला है कि 1 मंथ में मोर देन 80 मार्क्स इन जेई मेंस फिजिक्स, एकदम गलत नहीं डाला है, वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 1 मंथ में। क्योंकि यदि आप 20 नंबर पहले स्कोर भी कर पा रहे थे तो 60 मार्क्स ही आपके डायरेक्ट बढ़ा देंगे आपको, 15 चौके 60 होता है, और ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी बहुत कम होगी। क्लियर है गाइस? यदि मुझे लगता है कि यदि आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आया हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे क्या होगा ना कि थोड़ा सा अंदर से मिलता है यार, गर्मी आती है भाई, जो मैंने किया ना काम मेरे बच्चों को पसंद आया तो मैं और अच्छे तरीके से आता हूँ फिर दूसरे दिन। और यदि मतलब वीडियो अच्छा लगा और चाहो कि दूसरे लोगों को भी शेयर हो जाए तो प्लीज़ यार एक वीडियो शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि एक शेयर से हो सकता है कि दूसरे बंदे को मिल जाए और उसको भी मदद हो जाए, जैसे कि मैं आपको मदद कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दूसरे बंदे को भी मदद मिलनी चाहिए। तो आप बी पॉजिटिव ऑलवेज, और इन वीडियोज़ को शेयर भी किया करिए। क्लियर गाइस?
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल दबाए आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो पुराने बच्चों के लिए भी सजेशन दे रहा हूँ कि प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अदरवाइज होगा क्या कि आप वीडियो आ गया, कोई सडन वीडियो आपको पता ही नहीं चला, इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसी में मिस कर दिया। क्लियर है? सो नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। कीप वॉचिंग अस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।